19 दिसंबर 2021 को 250 पदों पर संगणक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा में करीब 1,00,000 से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत थे, तो वहीं परीक्षा में करीब 54,000 से ज्यादा परीक्षार्थी बैठे। 250 पदों पर आयोजित हुई इस भर्ती में अब बेरोजगारों ने पदों की संख्या 500 से ज्यादा करने की मांग तेज कर दी और पिछले कुछ दिनों से बेरोजगार अपनी मांग को लेकर मंत्री और अधिकारियों के चक्कर काट रहे। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बेरोजगार जयपुर पहुंचे और अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई है। सर, हम अभी सचिवालय भी जाके आए हैं, वहाँ पे भी हमारे को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो ये बोल रहे हैं कि अभी आपकी फाइल आगे नहीं गई है, जबकि हम मेघवाल जी के पीए से मिल के आए हैं, उन्होंने तो यही बोला है कि आपके पास 100% बढ़ेंगे। और हम मेघवाल जी के 3 बार जाके आए हैं, उन्होंने हमारे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि आपकी बिल्कुल वाजिब गैर वाजिब मांग है, कोई गैर वाजिब मांग नहीं है। सभी छात्र यहाँ पे आए हुए हैं, सभी छात्र कॉमर्स भर्ती के हैं। काफ़ी सालों में हमारी ये भर्ती आई है, पिछली गवर्नमेंट के बाद में पहली बार ये भर्ती आई है। डिपार्टमेंट ने 511 पोस्टों के लिए भेजा, तो वित्त विभाग ने आधी पोस्टों के लिए स्वीकृति दी है। आज हम डिपार्टमेंट के निदेशक हैं बैरवा जी, उनसे मिले तो बैरवा जी ने तो साफ मना कर दिया कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, आप मेघवाल जी से मिलो। वहाँ जाते हैं तो मेघवाल मंत्री जी हैं वो हमसे मिलते नहीं हैं, उनके पीए साहब को ज्ञापन देते हैं तो वो ये कहते हैं आगे भेज देंगे। आज जब हम उनके पीए साहब से मिले तो हमें हकीकत का पता चला, अभी तक हमारी फाइल आगे फॉरवर्ड ही नहीं हुई है।